ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो आपसे ये जानना समझना चाहेंगे कि पिछले एक महीने में जम्मू कश्मीर में हमने देखा है कि चरमपंथी घटनाओं में तेजी आई है, तो इसकी क्या वजह देखते हैं आप? इसकी दो तीन वजह देखता हूं मैं। एक वजह तो ये देखता हूं कि जब ये मिलिटेंसी लो ऐप पे चली गई तो पाकिस्तान हैड टू रिवाइव इट। जब इनको अगर रिवाइव करना था तो इनको इजी एरिया कौन सा मिला? ये मिला जम्मू प्रोविंस का। अगर आप देखें जम्मू प्रोविंस में इन्फिल्ट्रेशन पॉसिबल है 12 मंथ इन ईयर का, तो अभी तो इस टाइम हो रही है, बट 12 मंथ इन ईयर इन्फिल्ट्रेशन पॉसिबल है क्योंकि यहाँ से बर्फीला इलाका नहीं है। नंबर दो, अगर आप देखिए डोडा साइड जो है, डोडा साइड बड़ी देर से डोरमेंट था। मैं यहाँ ऑपरेट किया हूँ इस इलाके में जहाँ ये हुआ है, जो ये लास्ट ऑपरेशन है, मुझे इसमें लगता है कि ये कहीं या तो फॉल्स इन्फॉर्मेशन देके ट्रैप किया, नंबर वन। नंबर टू, अब ये देखिए ऑपरेशन रात को हुआ है तो रात के टाइम और चांद भी घट रहा है, कल छोटा चांद है, सबसे विजिबिलिटी कम है, पर जहां ये टेररिस्ट बैठे थे यहां कर रहे थे उनको क्लियर फील्ड ऑफ फायर मिला होगा, और उन्होंने जब इनकी मूवमेंट हुई होगी ऊपर की तरफ, इन्होंने मूवमेंट देख ली होगी हायर प्लेसेस पे बैठ के कि इस तरफ से ये मूवमेंट कर रहे हैं, तो इन्होंने वो एक किस्म से सम सॉर्ट ऑफ एम्बुश लगाया इनकी मूवमेंट के ऊपर ट्रैक करते हुए, और इनको ल्योर किया इस एरिया में जहां वो डोमिनेट करके मेल्ट अवे हो सकते थे। कोई भी टेररिस्ट जो प्रोफेशनल टेररिस्ट होता है, जो वेल ट्रेंड होते हैं। तीसरा, ये अभी J&K में इलेक्शन का टाइम है, इज नॉट दैट कि पॉलिटिकल पार्टी का है क्या है, इसमें ये बताना चाहे अगर इलेक्शन हो जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, इस किस्म से पाकिस्तान के पास कोई मुद्दा नहीं रहेगा बोलने का, तो ये इलेक्शन से पहले ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां अभी शांति नहीं है। अगर बाई चांस, जो मैं नहीं सोचता कि ऐसा नहीं होगा कि भाई बाई चांस गवर्नमेंट इलेक्शन पोस्टपोन करते हैं, मेरे विचार से नहीं होगा। अगर इलेक्शन पोस्टपोन करती है तो वो एक किस्म से अपनी विक्ट्री मानेंगे कि भी हमने वर्ल्ड को बता दिया कि ये पीसफुल नहीं है, इंडिया ने इलेक्शन पोस्टपोन करते, दे ऑल्सो फील दैट इज नॉट ए पीसफुल स्टेट। लास्टली जो है, ये ट्रुप्स की डिप्लॉयमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यहाँ से कम हो गई थी, बिकॉज चाइना का बॉर्डर एक हाईली थ्रेटन्ड एरिया हो गया था, वहां से ट्रुप्स की मूवमेंट उधर भी करनी पड़ गई। तो ये तीन चार रीजन है जो मुझे लगते हैं। ब्रिगेडियर साहब, चरमपंथियों के साथ मुठभेड़ के मामले जिस तरह से बढ़े हैं, क्या उससे ये संकेत मिलता है कि चरमपंथियों ने घुसपैठ के नए रास्ते खोज लिए हैं जहां पर सेना की नजर नहीं है, या सुरक्षा घेरा जो है वो कुछ कमजोर हुआ है? देखिए, अगर तो ये इंटरनेशनल बाउंड्री से आ रहे हैं, आईबी से कठुआ साइड में, आईबी आप अखनूर के साउथ में देखें तो इसको इंटरनेशनल बॉर्डर कहते हैं, वहाँ फेंस भी लगी है, वहाँ BSF भी आर्मी डिप्लॉय है, पर ये नए नए तरीके इजाद कर ले, चाहे ये टनल निकाल लेते हैं डीप तरीके से, या बीच में रिवाइन से निकाल लेते हैं, ये बड़े तरीके से ढूंढा हुआ रास्ता होता है जहाँ से ये टेररिस्ट को भेज रहे हैं। वैसे भी जिस दिन आप सिक्योरिटी में बोलते हैं कि माई सिक्योरिटी इज एब्सोल्युटली टाइट, यू आर डूम्ड, टेररिस्ट तभी सक्सेसफुल है जब आपसे दो कदम आ गए, और हमें हर बार उनको उनके साथ पेस मैच करनी है। ये जो लॉ भबक रही है, दिस इज फॉर अनदर मंथ और टू, इलेक्शन तक ये लॉ भबक रही है, उसके बाद ये लॉ काफी बुझ जाएगी, आई विल नॉट बी सरप्राइज। तो ये जब तक पाकिस्तान ये रियलाइज नहीं करेगा कि ये जो नाग है ये दो मुंह वाला नाग है, ये हमारी तरफ नहीं है, पाकिस्तान की तरफ ये मुंह वाला नाग है जो उनको हड़प रहा है, हम केपेबल है सस्टेन करने के लिए, फाइट करने के लिए, पाकिस्तान केपेबल नहीं है। तभी इनके जो आज की स्टेट में पाकिस्तान का है, जो इन्होंने देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, जो जहरीला सांप है उसका दूसरा मुंह उनकी तरफ है, दे विल रियलाइज इट, बट अदरवाइज जब तक J&K में इलेक्शन होंगे उसके आसपास तक ये थोड़ा डाई डाउन होगा। अभी भी दो चार इंसिडेंट होंगे क्योंकि ये लोग जो भाग के निकले हैं, अब ये एस्केप रूट से नेक्स्ट पॉइंट पे चले गए, चाहे ऊपर चले गए, चाहे नीचे चले गए, चाहे वैली की तरफ चले गए, चाहे रामबन की तरफ निकल गए, चाहे वापस कठुआ की तरफ निकल गए, ये जो ग्रुप है टेररिस्ट का, ये कहीं और करेगा, और या तो उस सेक्शन में मारे जाएगा या उसके शॉर्टली बाद ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा डेफिनेटली।